This video is sponsored by US Cranberries, America's original superfruit. वैसे कुछ ज्यादा तैयार होके नहीं आया? अब बैठेगा भी? तूने ही कहा था ना कि जो रक्षा करता है राखी भी उसी को बांधते हैं। हाँ तो आपसे ज्यादा लोगों की कौन रक्षा करता है? डॉक्टर एस कश्यप। इस रक्षाबंधन मिठास को दीजिए क्रैनबेरीज का स्वाद, रिश्ता वही मिठास नई यूएस क्रैनबेरीज। क्या हम सही मास्क इस्तेमाल कर रहे हैं? क्योंकि स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक राजीव गर्ग ने राज्यों के स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मामलों के प्रधान सचिवों को एक चिट्ठी लिखी है। अब इसमें साफ साफ कहा है कि लोग N95 मास्क का अनुचित इस्तेमाल कर रहे हैं, खासकर उनका जिनमें वॉल्व लगा है। ऐसे मास्क वायरस को बाहर आने से नहीं रोक पाते हैं। राजीव गर्ग ने अपने पत्र में कहा कि आपके संज्ञान में लाया जाता है कि वॉल्व लगा N95 मास्क कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए अपनाए गए कदमों के विपरीत है, क्योंकि ये वायरस को मास्क के बाहर आने से नहीं रोकता। इसके मद्देनजर मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि सभी संबंधित लोगों को निर्देश दें कि वो फेस या फिर माउथ कवर के इस्तेमाल का पालन करें और N95 मास्क के अनुचित इस्तेमाल को रोकें। अब सवाल ये है कि कुछ हफ्तों पहले तक जिस मास्क के लिए बाजार में मारामारी हो रही थी, जो अपनी लागत से कई गुना ज्यादा कीमत पर बिक रहा था और जो मास्क ऑनलाइन शॉपिंग में गूलर का फूल बना हुआ था, वो मास्क अचानक इस्तेमाल के लिए अनुचित कैसे हो गया? N95 मास्क में N रेटिंग क्लास का निशान होता है, इसका मतलब है नॉन ऑयल। अगर हवा में ऐसे धूल कण मौजूद हैं जो कि तैलीय मतलब ऑयली नहीं है, तो ये रेस्पिरेटर मास्क काम में लाया जा सकता है। इसे नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ यानी कि NIOSH चेक करके सर्टिफाई करता है। NIOSH रिसर्च एजेंसी है जो अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों के कार्यस्थल पर स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए शोध करती है। अमेरिकन CDC माने की सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन का एक हिस्सा है। N95 में 95 का मतलब होता है 95% कारगर। ये 0.3 माइक्रोन साइज के धूल कण फिल्टर कर सकता है। अगर हमारे एक बाल की चौड़ाई को 100 हिस्सों में बांट दिया जाए तो उसका एक हिस्सा होगा ये धूल कण। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक ये फ्लू जैसे संक्रामक रोगों में 0.3 से अधिक साइज के ड्रॉपलेट को फिल्टर कर सकता है। ड्रॉपलेट माने खांसते या फिर छींकते समय लिक्विड के तौर पर जो छींटे निकलती हैं। अब ये ब्रांड बना कैसे? N95 मास्क दरअसल दिल्ली में अक्सर छा जाने वाली स्मॉग की देन है। लगभग हर साल दीपावली के आसपास शहर गैस चेंबर बन जाता है। इसके साथ ही N95 मास्क की बाजार में वापसी होती है। डॉक्टर इसे रेकमेंड करते हैं और CDC इसे 2.5 माइक्रोन के धूल कणों में साफ हवा के लिए कारगर मानती है। लेकिन क्या N95 मास्क कोरोना वायरस पर असरदार है? अब इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमने एक्सपर्ट से बात की। कई संस्थानों में वायरस पर रिसर्च करने वाले डॉक्टर अतुल ने इसका जवाब दिया। उनका कहना है कि कोरोना समेत और किसी भी आम फ्लू के वायरस बेहद बारीक होते हैं, कभी कभी 0.17 माइक्रोन से भी छोटे, और ये जाहिर सी बात है कि N95 मास्क इसे फिल्टर कर सके ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन मास्क पहनना फिर क्यों जरूरी है, सवाल ये आ जाता है। COVID-19 के संक्रमण या वायरस किसी मरीज के खांसने या छींकने से ड्रॉपलेट के रूप में बाहर आता है और फिर धूल कणों में बैठ जाता है। अब इससे बचने के लिए मास्क पहनना जरूरी है। मास्क की जरूरत के बारे में बताते हुए डॉक्टर अतुल कहते हैं कि N95 मास्क हो या फिर कोई और मास्क, उसका काम इतना ही है कि खांसते या छींकते समय हमारे मुंह नाक के ड्रॉपलेट्स को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में बाहर हवा में बिखरने से रोके। जिन धूल कणों पर ड्रॉपलेट्स इकट्ठे होते हैं उनका साइज होता है 5 माइक्रोन या फिर उससे अधिक, यानी कि मास्क आपको संक्रमण से ज्यादा दूसरों को संक्रमण से बचाता है। ये किसी भी फ्लू में मास्क लगाने का बेसिक कारण होता है। अब आते हैं N95 मास्क पर। ये आपको इस तरह से संक्रमित धूल कणों से तो बचाता है, लेकिन किसी भी फ्लू के वायरस बचाने की गारंटी नहीं देता। तो N95 में दिक्कत क्या है? दिक्कत है इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम। आमतौर पर नॉन ऑयली डस्ट पार्टिकल्स को शरीर में जाने से बचाने के लिए इस मास्क में एक रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। मास्क पर वॉल्व लगा होता है, आपने देखा होगा ऐसे साइड में लगा होता है। अब इस वॉल्व का क्या काम होता है? यही कि आपकी सांस लेने की क्षमता पर असर ना पड़े।
ये धूल कण छान कर हवा आपके भीतर तो पहुंचाता है, लेकिन जब आप सांस छोड़ते हैं तब के लिए इसमें एक वन वे वॉल्व लगा होता है, जिससे कि आपकी छोड़ी हुई सांस आराम से बाहर जा सके। यानी कि ये एक तरह के वन वे डस्ट चेकिंग की तरह काम करता है। ठीक वैसे ही जैसे किसी हाईवे पर शहर में आने वाले लोगों की तो पुलिस चेकिंग होती है, लेकिन शहर के बाहर जाने वाले लोगों की चेकिंग नहीं की जाए। यही इस मास्क की दिक्कत है। इसी मास्क की नहीं बल्कि रेस्पिरेटरी वॉल्व लगे हुए ज्यादातर मास्क में यही दिक्कत है। डॉक्टर अतुल कहते हैं कि इससे COVID-19 संक्रमण से बचने के नाम पर पहने हुए मास्क लगभग बेमानी साबित हो जाते हैं, क्योंकि इन्हें पहना ही इसलिए गया ताकि पहनने वालों की सांस से ड्रॉपलेट्स की शक्ल में संक्रमण बाहर ना फैले। सरकार की गाइडलाइन भी यही कहती है। 3 लेयर हो, चाहे मास्क हो या कपड़ा, रुमाल, गमछा या कपड़ों से बने मास्क वायरस को रोकने में कितने असरदार है। अब बात करते हैं कि रुमाल, गमछा या कपड़ों से बने मास्क वायरस को रोकने में कितने असरदार है। इस सवाल के जवाब में डॉक्टर अतुल बताते हैं कि पूरी दुनिया में 3 लेयर के मास्क को असरदार माना गया है। अगर आप कॉटन के कपड़े से अपने घर में 3 लेयर मास्क या फिर फेस कवर बना सकते हैं तो ये सबसे सुरक्षित है। इससे संक्रमण फैलने की आशंका काफी हद तक कम हो जाती है। गमछा, रुमाल के 3 लेयर में अगर व्यक्ति खांसता या फिर छींकता है तो उसका संक्रमण बाहर फैलने का रिस्क पहली या दूसरी या तीसरी तक आकर रुक जाता है, तीसरी लेयर तक। अब सरकारी गाइडलाइन के मुताबिक कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए 3 लेयर का मास्क सबसे बेहतर है। WHO ने भी 3 लेयर मास्क को बेहतर बताया है। केंद्र सरकार की ओर से मास्क को लेकर जारी एक काफी डिटेल्ड गाइडलाइन में भी लोगों से घर में बने मास्क के इस्तेमाल की अपील की गई है। साथ ही कहा गया है कि घर में बने मास्क को हर दिन अच्छे से धोना और सुखाना चाहिए। नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सरवत, आप देख रहे हैं लल्लन टॉक। ये स्टोरी हमारे लिए हमारे साथी सुमित ने लिखी है। ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। शुक्रिया।